हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू landtutorials.com। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंप्लीट कोर्स की वीडियोस अप टू डेट मिलती रहें। इस कोर्स में मैं आपको जितना भी इसका हैंड मॉड्यूल है, इसकी एक्सरसाइज है, सारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आपको डाउनलोड करवा दूँगा। सबसे पहले हमें इसके HTML करने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए, तो जो मैंने टूल सेलेक्ट किया है वो सबलाइम टेक्स्ट है। उसमें ये है कि आप काफ़ी चीज़ें आपको प्रेडिक्शन में मिल जाती हैं, जैसे कि अगर आपने टैग लगाना कोई तो वो आप उसका पहला वर्ड लिखेंगे तो आपका टैग अपने आप लग जाएगा, लग भी जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा, बस आपके अंदर थोड़ा बहुत लिखना है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल्स बनाने हैं तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ी होंगी तो अपलोड करना मुश्किल होंगी और आपको देखना भी मुश्किल होंगी, तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया कि जल्द से जल्द काम हो जाए। अगर आपको ये सबलाइम टेक्स्ट पसंद है तो आपने क्या करना है कि इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करने के साथ आपको ये एक फ़ाइल सबलाइम टेक्स्ट की मिल जाएगी, ठीक है। उसको आपने क्या करना है कि उसको किसी भी जगह पे डेस्कटॉप या कहीं पर रख लेना है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ये विनरार की फ़ाइल है, अगर आपके पास विनरार नहीं है तो अगर ये ओपन नहीं हो रही तो आपको विनरार डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा। विनरार डाउनलोड करने के सिंपल गूगल पर जाकर लिखें, वो हो जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉलिंग हो रही है, इंस्टॉल जैसे इंस्टॉल हो जाए ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके कुछ सिंपल से इसके स्टेप्स हैं इसके जो इसको इंस्टॉल करने के। अब इसमें मैं आपको HTML के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो भी दूंगा, ठीक है, और इसको चलाने का थोड़ा बहुत तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। उसका बकाया डिटेल में आपको दूसरी ट्यूटोरियल में मिल जाएगी, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूंगा। लेकिन जो बेसिक इस ट्यूटोरियल का मकसद ये है कि आपको मैं इस सबलाइम टेक्स्ट का वो इसको चला के सिखाना है आपको, ठीक है। तो इस ये बहुत ईजी चलाने में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने कोई भी अगर आपने फाइल बनानी है, ठीक है, ये CSS फाइल, C++ फाइल, हर फाइल को मतलब क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आपने अगर कोई भी फाइल बनानी है तो आपने कंट्रोल न्यू से आपने फाइल बनानी है नहीं, ठीक है, उसको सेव करना है, कंट्रोल एस क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल एस की कमांड देनी है तो ये आपको पूछेगा कि आपने इस फाइल को कहाँ पर सेव करना है, ठीक है। ये जैसे ये पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे सेव करना था, मैं इसको मेरे पास जो जहाँ पे मैंने सेव करना है फोल्डर पड़ा हुआ उसका मेरे पास ये मैंने ऊपर से कॉपी किया हुआ था, ये पेस्ट कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये वो फोल्डर आ गया जिसके अंदर मैंने आपको तमाम ट्यूटोरियल वगैरह की डिटेल यहाँ पर रखूँगा। इस फाइल को मैं index.html के साथ सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे ये सेव हो जाएगी उसके बाद ये सिंपल आपने देखें HTML लिखा है तो इसके कंप्लीट लैंग्वेज का सारा कुछ आ गया है, ठीक है। कि ये HTML के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं इसका आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सारा कुछ पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। टाइटल में मैंने फर्स्ट पेज लिख के उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर बस थोड़ा सा चलाना सिखाने के लिए, ठीक है। आप इसके ऊपर टैग लिखते जा रहे हैं तो टैग अपने आप ही प्रिडिक्शन में आते हैं, प्रिडिक्शन में आने के बाद टैग जितना भी आप लिखना है बंद भी हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने H1 का टैग लगाया है, तो आप इसके तमाम बेसिक जो कंसेप्ट है मैंने आपको हर ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे, हर कंसेप्ट का ट्यूटोरियल है मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि आप इसको चलाने का तरीका समझें, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी इसे लिखा है कि हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू learntutorials.com, तो इसको मैंने सेव किया, ठीक है। ये जब हेडिंग वन में किया तो हेडिंग वन में ये बड़े वाला लिखा आ गया, जिनको पहले पता है हेडिंग वन किया तो उनके लिए तो ये बहुत ईजी है, जिन्हें नहीं पता वो टेंशन ना ले, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में मैंने डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ठीक है। अब ये इसको चलाने का ये छोटा सा तरीका है कि आप इसमें टैग का नाम लिखें, टैग स्टार्ट करें, टैग का नाम लिखें, प्रेडिक्शन आती है उसको एंटर करें तो अपने आप उसका सारा, जैसे मैंने H1 का मैंने किया अभी तो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अब मैं H1 मैं थोड़ा सा टैग लगा के दिखाता हूँ आपको ये वर्किंग कैसे कर रहा है, ठीक है। अब H1 में मैंने जो पहले लिखा हुआ था वो ऊपर ले गया हूँ, ठीक है। अब नए H1 में मैंने लिखा है दिस इज, इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, 1H या फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसी को कॉपी किया है, ठीक है। इसी को मैं आगे फर्दर पेस्ट कर लूँगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे लिखना है। मैंने टैग स्टार्ट किया, ठीक है, H2,
ठीक है, एंटर किया तो अपने आप टैग बंद हो गए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे सेव हमारा हो रहा है। इसमें मैंने लिखना है कि दिस इज़ हेडिंग टू या टू हेडिंग, ठीक है, सेकंड हेडिंग, ठीक है। और इसी के साथ मैं थर्ड पे आई थी, ठीक है, थर्ड के अंदर भी मैंने जो ऊपर को पेस्ट किया तो कॉपी किया तो वहाँ पे मैंने पेस्ट करके यहाँ पे इसके पास हेडिंग दी, मेरे पास वन थी, अब मैं उसको थ्री कर दिया, ठीक है, थ्री एच कर दिया इसके अंदर भी, ठीक है। और जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे मुझे थ्री एच करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जो टैग हम चलाते हैं या लगाते हैं वो हम क्लोज भी करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं फर्दर सारे टैग्स कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है, उनकी सिर्फ नंबरिंग में चेंज करता जाऊँगा, क्योंकि H1, H2, H3 और H4, H5 ये सारे नंबरिंग है कि आपके हेडिंग का साइज़ एक कह लें कि आप H1 सबसे बड़ी हो और उसके बाद डिक्रीज होता है साइज का, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये जितने भी टैग सारे लगा लिए, ठीक है, अब इनकी सिर्फ मैंने वो चेंज करनी है कि अंदर से हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, हेडिंग फाइव और हेडिंग सिक्स, ताकि आपको पता चले कि है ये हेडिंग जो आ रही है किस टैग से आ रही है, ठीक है। अब मैंने उसको सेव करके रिफ्रेश किया तो ये देखें, पहले जो सबसे मैंने लिखी थी वो हेडिंग वन ही थी, और जो दूसरी लिखी हुई है अब जिसको मैंने राइट किया ये हेडिंग वन ही, फिर हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, हेडिंग फाइव और हेडिंग सिक्स सबसे छोटी है, ठीक है, ये लाइन वाइज डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। इन टैग्स का ये मैंने आपको छोटा सा बस एक हिंट दिया है, टैग्स कैसे लगाते हैं और ये काम कैसे करता है, ठीक है। आपको जो मेन चीज़ है वो मैं आगे आपको सारे टैग्स वाला ट्यूटोरियल उसमें बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये एक ये केस सेंसिटिव है, मतलब कि केस सेंसिटिव है कि अगर आप कैपिटल कैपिटल में अगर टैग लिखते हो तब भी वही काम करेगा जो मतलब स्मॉल में लिख रहे हैं, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिख रहे हैं। तो इसका सिर्फ ये है कि अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो वो एक प्रोफेशनल तौर पर अच्छा डेवलपर जो होता है वो हमेशा उसमें लिखता है स्मॉल में लिखता है, ठीक है। और जो जो आम होते हैं जो कोई भी लिख रहा हो, लेकिन लिखने में कोई खर्च नहीं है, लेकिन अच्छा डेवलपर उसमें लिखता है। अब देख सकते हैं कि ऊपर H1 भी वैसे आया था, अब H नीचे है वो भी वैसे ही आया है, ठीक है। तो ये था इसका स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन है। फिर अगर आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका 24 आवर्स में आपको कमेंट का आंसर दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।